आज हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर जिनका नाम एकता है, वो भी हमारे साथ बैठी हुई हैं। आइए मिलते हैं एकता से और जानते हैं कि एज ए स्टूडेंट उन्होंने क्या सीखा और हिंदी के क्षेत्र में अपना भविष्य किस तरह से देखती हैं। तो एकता, आप बताएं कि आप हिंदी में PhD कर रही हैं, बहुत बड़ी डिग्री होती है हिंदी में PhD करना, तो अपनी आपकी क्या यात्रा रही, आपने क्या क्या सीखा और आपको किस तरह से चैलेंजेस का क्या कोई सामना करना पड़ा, या आपके आपकी जो यात्रा रही वो अच्छी रही, अपने अनुभव हमसे बताएं और अपना भविष्य कैसा देखती हैं हिंदी में आकर के, जी आप हमसे शेयर करें। मेरी जो यात्रा रही है हिंदी को लेके या मेरी पढ़ाई को लेके, वो बहुत आसान भी नहीं कह सकते हैं, मुश्किलें बहुत सारी आई यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए। बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं और मैंने स्नातक किया हिंदी में, और हिंदी में मैंने इसलिए स्नातक किया क्योंकि मुझे उसमें रुचि थी और अपनी रुचि के अनुसार हिंदी विषय लेने से मुझे यह आसानी रही कि मैं इसको पढ़ने में मुझे सुविधा रही और मैं इसमें आगे इस क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ। और मुझे मेरा हिंदी में पढ़ने का जो उद्देश्य है ये है कि मैं भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, टीचर बनूं, ताकि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकूं और अपने विषय को अपने भारत में, अपने क्षेत्र में, अपने लोगों को अपने इस विषय की जानकारी दूं और लोगों को इसमें जागरूक करने की कोशिश करूँ। तो क्या आप ये मानती हैं कि हिंदी में आने के बाद और इतनी बड़ी डिग्री प्राप्त करने के बहुत ही निकट होने के बाद आपका भविष्य उज्जवल है और आप सफल अपने आप को मानती हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैम ने कहा कि यहाँ पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं, BA MA और शोध छात्र जितने भी हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं हैं, उनको हर क्षेत्र में उनके लिए सुविधाएं हैं। जैसे यहाँ पे स्नातक है, परस्नातक है, पत्रकारिता विषय पढ़ाया जाता है, पत्रकारिता विषय मीडिया से जुड़ा हुआ है, हमारा विषय अध्यापन से जुड़ा हुआ है। तो अभी मुझे दो जगह से ऑफर मिला है कि आप आके पढ़ाएं, क्योंकि मेरी PhD अभी पूरी नहीं हुई थी इसलिए मैं पढ़ाने नहीं गई, और मुझे ज़रूरत है कि मैं चाहती हूँ कि मैं सरकारी नौकरी लगे, मैं उसमें पढ़ाऊँ, और मुझे लगता है कि मेरी नौकरी लग जाएगी और संभावनाएं भी अधिक हैं। बहुत अच्छी बात है, अभी आपकी PhD चल रही है और आपको ऑफर्स अभी से आ रहे हैं कि आप आएँ और अपनी सेवाएँ वहाँ पर दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद एकता, आपने बहुत कुछ बताया स्टूडेंट्स को, थैंक यू।